नमस्कार, मैं निर्धन गर्व और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। आज हमारी टीम पहुंची शाजापुर जिले के काला पीपल ब्लॉक के ग्राम पंचायत गणेशपुर बापचा में, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दिखा रहे प्रत्याशी से रूबरू हुए। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गणेशपुर से सरपंच पद हेतु पत्रकार राजेंद्र सोनगरा ने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दिखाई है। इधर आज हमारी टीम से खास चर्चा में प्रत्याशी ने बताया कि अगर मतदाता मुझे आशीर्वाद देते हैं तो गांव में सबके बीच रहकर विकास कार्य की योजना बनाएंगे और सबको पात्रता अनुसार लाभ दिया जाएगा और हर परिवार को शासन की योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। साथ ही वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम ग्रामीणों लोगों को शासन की योजना का लाभ दिलाया है और कई रुके हुए निर्माण कार्य करवाए हैं। वहीं अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की है। अरे सभी ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र सोनगरा ग्राम पंचायत गणेशपुर बापचा से सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है हेडपम्प, जो कि मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हेडपम्प पर मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। मैं समाज के लिए और दोनों ग्राम पंचायतों के लिए जन कल्याण कार्य करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरे कई मुद्दे हैं चुनाव में आने के लिए। मेरी एक युवा सोच के साथ मैं चुनाव में उम्मीदवार हुआ हूं। मैं दोनों ग्राम पंचायतों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। जैसे मेरे गांव में सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, रोड की बहुत बड़ी समस्या है। चारों तरफ से मेरे गांव में रोड नहीं है, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उन्हें परेशानी आती है। मेरे गांव की और भी ऐसी समस्या है, जैसे कि खाद्यान्न लेने गांव वाले जाते हैं तो उसमें स्कूल के बच्चे और गरीब वर्ग के परिवार होते हैं, जो कि पैदल पैदल बारिश के दिनों में गणेशपुर गेहूं चावल लेने जाते हैं। तो उनकी समस्या को देखते हुए भी मुझे विकास कार्य करना है। इसके बाद में मेरे गांव में बेटियों के लिए विद्यालय जाने के लिए मोहम्मदपुर जानी, इसी को देखते हुए मुझे मेरे गांव में एक हाई स्कूल भी बनवाना है। और भी ऐसे कई जन कल्याण कार्य है जो मुझे मेरी ग्राम पंचायतों में करना है, मेरे ग्राम पंचायतों में विकास करना है। इसी मेरे गांव गणेशपुर और बापचा की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य में छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है तो उन्हें काला पीपल या कुरावल ले जाया जाता है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के लिए दोनों गांव में व्यवस्था की जाएगी। चौथी समस्या मेरे गांव की है वृद्ध और विधवा पेंशन, जिन लोगों की रुकी हुई है, मेरे बुजुर्गों की रुकी हुई है, उनकी पंचायत की चौथी जो समस्या है वो है वृद्ध और विधवा पेंशन को लेकर के। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनको वृद्ध और विधवा पेंशन नहीं मिलती है, उनको जल्दी से जल्दी मैं वृद्ध और विधवा पेंशन चालू करवाऊंगा। इसके साथ ही मेरी पांचवी जो समस्या है वो है मेरे ग्राम पंचायत की जो